हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और कमाल का न्यू व्लॉग लेके। सो गाइज, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू गाइज। सो गाइज, मैं आया हूँ आज कहाँ पे देख लो आप। पहले लोकेशन कुछ भी नहीं, इधर थोड़े बहुत घर वर बने हैं। तो मैं आज ना आया हूँ अपने प्लॉट पे। जी हाँ दोस्तों, प्लॉट पे हम लोग आए हैं। आज दिवाली है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग दिया लगाने के लिए आए हैं। तो अभी चलते हैं भैया के पास और जो है दिया जलाते हैं। क्या हो गया, जला दिया क्या? माचिस तो मेरे पास ही है, जलेगी अभी से। सो गाइस, भैया और मैं अब जो है दीपक जलाएंगे यहाँ पे, है ना। और गाइस, सनसेट हो रहा है पीछे, इतना मस्त मौसम हो रहा है कि क्या बताऊं आपको। फटाफट से इधर दिया लगाते हैं और चलते हैं यहाँ से। खुल जाएगी, खुल जाएगी। इधर अभी भैया और मैं जाने के लिए रास्ता देख रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, मतलब इधर अंदर हम लोगों को जाना है यहाँ पे, तो मतलब कैसे जाएंगे। बाकी घुस जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं। दीपक तो लगाना ही है, अच्छी जगह देख के लगाना थोड़ा। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, और थोड़ा आगे चलते हैं। चलो गाइस, और घास फूस में चलते हैं, कांटे वांटे पड़े हैं इधर। ये ठीक था ना इधर? अरे वो भी ठीक था, वो तो रास्ता ही है शायद पर। सो गाइस, जगह मिल चुकी है फाइनली, देखो। तो अब यहाँ पे हम लोग दीपक लगा रहे हैं। लगाओ लगाओ ये माचिस। बोलो श्री गणेशाय नमः। दीपक लग चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं। इधर पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है, देखो ये यहाँ पे, ये वाली, तो ये अपनी गाड़ी है। गाड़ी के पास चलते हैं, इधर काफ़ी सारे कांटे वगैरह भी हैं, तो ध्यान से निकलना होगा। सो गाइस, दीपक लगा दिया है, अब वापस से प्लॉट की तरफ ही गाड़ी को घुमा रहे हैं। हमने सोचा है कि हम लोग ब्रिज से होके जाएंगे तो और अच्छा मज़ा आएगा, तो इसीलिए वापस से। हाँ मतलब मज़ा आएगा ही, सही हो गया, ऊपर से जाएंगे तो वापस से ऊपर से जा रहे हैं। इधर देखो पूरा गांव वाला इलाका है इधर, पता नहीं कुछ भी बोल रहे थे। इधर से रास्ता जाने का भैया, नाला वाला मत कूदा देना। सो अब हम लोग ब्रिज से होके जाएंगे ऊपर से, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा ना भूख लग रही है, तो वापस से कुछ ना कुछ खाने चलते हैं। आप लोग सोचते होंगे हर व्लॉग में कुछ ना कुछ खाते ही रहता है, तो गाइस देखो ऐसा है कि मतलब भूख लगे तो खा लेना चाहिए, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। सो चलते हैं अब कुछ ना कुछ खाने के लिए, धीरे धीरे रात हो रही है। बाकी आप लोगों को मैं रात का सीन भी दिखाऊंगा कि देवा सिटी रात में किसी नज़र आती है दिवाली के टाइम में, काफ़ी सही लगता है बिल्कुल, मतलब बहुत ही प्यारी सजी हुई है। सभी ने अपने घरों पर सीरीज लाइटिंग वगैरह कर रखी है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। हाँ ये देखो गाइस, इस ब्रिज की बात कर रहे थे हम लोग, ये ऊपर ब्रिज है। कौन सा रोड जाता है इधर? चेन रोड। हाँ तो उज्जैन रोड के ब्रिज के नीचे से जा। देखो गाइस, मेरा मूड पोहे खाने का हुआ, तो भैया बोलते कि रात में कौन ही पोहे खाता है, बट आई एम द यूनिक, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं पोहे खाऊँगा। ठीक है चलो चलो पोहे खाएंगे। अरे दो पोहे की बात हुई थी। देखो गाइस, ये धोखेबाज आदमी है, भैया ने हमारे साथ धोखा किया है। भैया ने पहले बोला कि ठीक है पोहे, लेकिन फिर समोसे दिला रहे हैं। ये बहुत ही बड़े गद्दार है। देखो गाइस, इन्होंने पहले पोहे का बोला और अब समोसे खिला रहे हैं। समोसा आ चुका है, बिल्कुल सादा सुंदर बिना चटनी वाला। इनका भी चटनी हम लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए ये बड़ी सी बोतल में क्या है, शायद
मसाला समोसा खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। देखो इन भुक्कड़ ने मेरे से ज़्यादा भूखे तो ये इन्हें खाना भी चालू कर दिया, पहले पोहे का बोल दिया और फिर समोसा खिला दिया। चलो खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता है। समोसा खा लिया है, अब मैंने भैया को बोल दिया था कि मेरे को पोहे भी खाने हैं क्योंकि मेरे को लग रही है भूख, तो मेरे को पेट भरना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घर जाके खाना तो खाएगा ही, फिर ये सब क्यों? तो खाना नहीं खाएंगे ऐसा होगा तो और क्या। तो भैया देखो पोहे लेके आ चुके हैं, अब पोहे का आनंद लेते हैं। गाइस भैया और मैंने नाश्ता कर लिया है। नहीं, चलते हैं। गाइस खाना नाश्ता पीना हो चुका है, अब घर की तरफ निकलते हैं। देखो रात हो गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पेट भरा भरा। मैंने बोला कि मतलब रात में पोहे खाएगा तू भी, मतलब एंटीक पीस है तो देखो वो करना चाहिए जो कभी किसी ने नहीं किया, तो मैंने वही किया जो कभी किसी ने नहीं किया। रात में पोहे कौन ही खाता है लेकिन तुम्हारा भाई खाता है। यो थारा भाई योगेश आज इतने पोहे खा जाएगा किसी ने सोची ना होगी। तब चलते हैं और रात का सीन भी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं कि देवास सिटी ऑफ काय की सिटी है, ये ड्रीम की ऐसा कुछ बोलते हैं ना, काय की सिटी है, देवास द सिटी ऑफ ड्रीम ऐसा कुछ है? हाँ तो देवास द सिटी ऑफ ड्रीम्स नाइट सीन दिखाऊंगा आज मैं आपको कि कैसी दिखाई देती है। तो भी चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। मार्केट में आ चुके हैं, अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि देवास शहर रात में कैसा दिखाई देता है। आपकी ना रात बना दूंगा बिल्कुल, ऐसा सीन दिखाऊंगा कि आपको भी मज़ा आ जाएगा। और अभी तक व्लॉग को लाइक नहीं किया तो व्लॉग को लाइक करना, और दिवाली की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो अब ज़रा आप लोग रात के सीन का मज़ा लो और इन्जॉय करो। चलाना इतना टफ हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज मार्केट में। तो अभी हम लोग जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने दिखाया कि देवास शहर मतलब कैसा लगता है, लाइटिंग वाइटिंग मतलब सभी ने अपने घरों पे कर रखी है तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है नाइट में, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो वही आपको मैंने दिखाया, अभी चलते हैं घर और घर पर देखते हैं कि क्या सीन होता है। अब घर पर मेरे से पूछेंगे कि खाना कितना क्या खाएगा, मतलब ज़्यादा भूखेगी नहीं। तो देखो खाना तो मतलब मैं मतलब खाऊंगा ही नहीं शायद, क्योंकि हमने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करना भी ज़रूरी था देखो, क्योंकि अभी जो है पूजा वूजा होगी, लक्ष्मी पूजा, तो टाइम लग जाएगा खाने बनने में, तो खाना बनने में टाइम लगेगा, तो भूख लगने लगेगी, तो अच्छा हुआ ना नाश्ता कर ही लिया। तो अभी चलते हैं घर और देखते हैं कि क्या सीन होता है। घर आ चुके हैं, देखो अब भैया जो है वो गाड़ी ऊपर रखेंगे, गाड़ी का कोई काम नहीं है। और ये देखो हमारी आरडेक्स भी रखी हुई है मस्त, तो धुल के एकदम तैयार, उसकी भी मतलब पूजा वूजा कर देंगे आज। मेरे साथ एक ही सीन होता है कि कभी भी साइकिल दो ना, उसके ब्रेक बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसके बिना मतलब वापस से ठीक करवाने पड़ेंगे। एक बार तो करवा चुका हूँ तो वापस से इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। भैया ने गाड़ी रख दी है, देखो अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऊपर का क्या सीन है, पूजा वगैरह कब तक क्या। तो चलते हैं। मम्मी आ गए हम लोग, भाई भैया भी कितनी बड़ी हिट कर रहे हैं, गाड़ी खुद ने रखी इधर से, ठीक है ये यहाँ से आ सकते थे, पर महान आत्माएं जो होती है वो कुछ देखो ऐसी होती है। आओ अंदर, और क्या मतलब बंदर ने खुद ने इधर से गाड़ी रखी है और इधर जो है गेट से आ रहे हैं, देख रहे हो सेंस ऑफ ह्यूमर। चलो चलते हैं। हाँ यार वुमन ह्यूमर जो भी, पल आ गया है कि अब हम जो है अपने कपड़े बदलेंगे, मतलब कि दिवाली के जो हमने नए कपड़े लिए थे तो वो अब हम जो है वो पहनने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद जो है पूजा होगी, उसके बाद जो है बम धमाकों का मतलब बम धमाकों की आवाज़ें होगी मतलब चारों तरफ। तो अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग पूजा करेंगे और फिर बमबाजी करेंगे।
गाइस अपन जो है वो रेडी हो चुके हैं, देखो मस्त से एकदम नया वाला कपड़े पहन लिए अपन ने। तो अब जो है पूजा होगी, उसके बाद फिर हम लोग पटाखे फोड़ेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। व्लॉग में बने रहो, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। लक्ष्मी पूजन भी हो चुकी है और गाड़ियों की पूजा भी कर दी है, तो अब एक ही काम बचता है, सबसे पहले तो दवा के मिठाई खाना और फिर पटाखे फोड़ना। तो अब हम जो है भैया और मैं जाते हैं ऊपर और थोड़ी देर बाद वापस नीचे आते हैं और पटाखे जम के फोड़ेंगे बिल्कुल। तो चलते हैं ऊपर, चलो नहीं बॉस, तो चलते हैं ऊपर और आगे का ज्ञान बिठाते हैं। अब चलते हैं नीचे और धमाका करते हैं वापस से एक बार, और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या लेकर जा रहे हैं अभी हम लोग नीचे। तो देखो ये इतना माल मटेरियल है जो हम लोग फोड़ने वाले हैं फुल एकदम, तो चलो नीचे चलते हैं। चलो चलो नीचे चलो भैया, मेरी चप्पल में क्यों ना आ रहा। नीचे की लाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं, देखो बड़े भैया बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, चलो। बड़े भैया कैसे स्टंट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी घर पर ना धोराएं और ना ही किसी को धोराने दें। देखा 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 आ गया स्वाद। इसीलिए दोस्तों मैं तो डर गई, तो और ऐसे मतलब आसपास का बोम वोम लेके ना फोड़ें, प्रिकॉशन रखें, गाड़ी सेफ बनाएं। उनकी उम्र उनकी कमर पर देखो, सिखाने की कोई उम्र होती है कि सीखने की उम्र होती है, देखो है ना, ऐसा ही है ना। तो हम लोग छोटा बड़े को सिखा सकता है, तो बड़ा छोटे को भी सिखा सकता है, ऐसा है। हो गया क्या अपना स्वाद, वो फोड़ दे पूरी ब्रेड वाली, वो फोड़ देगा पूरी, वो तो डर गई। बाबू कहते मैं तो डर गई, तुम्हारा भाई ये जलाएगा बिल्कुल, स्वाद ला देगा जिंदगी में लोगों को। बस इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। और भी नए नए व्लॉग्स आप लोगों को इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी सेट कर लेना। सो गाइज आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, घर में रहो, मौज रहो, सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली, टाटा बाय बाय।